अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ वो शबाश हंसते मुस्कुराते होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत यूज़फुल ट्रिक लेके आई हूँ, जिसके ज़रिए आप किसी भी तरह का लाइनर जो है वो खुद से घर में बना सकते हैं। आपको बाज़ार से तरह तरह के लाइनर जो है, मुख्तलिफ कलर्स के लाइनर ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास बस ये कलर, एक कोई भी कलर पैलेट होना चाहिए और आपके पास एक और चीज़ होनी चाहिए जिसके बारे में आपको बताऊंगी, तो आप उसकी मदद से बहुत इजीली आप घर में खुद से लाइनर बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं कि हम किस तरह से लाइनर बनाएंगे। लेकिन इससे पहले मेरी रिक्वेस्ट सुन लीजिए कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखिए मेरे पास ये जो है कलर आर्ट का रोमांटिक कलर पैलेट है। आपके पास कोई सा भी पैलेट हो तो चलेगा, जिस कलर का आपने लाइनर बनाना है वो आपके पास शेड मौजूद होना चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं किसी भी कलर का। अब आपको मैट लाइनर बनाना है तो आप मैट शीट्स ले लें, आपको ग्लिटर में करना है तो ग्लिटर वाले ले लें। इसके साथ हमें एक और चीज़ की ज़रूरत है, वो क्या है, वो है कोई सी भी एलोवेरा जेल। लेकिन ये फ्रेश एलोवेरा जेल नहीं होनी चाहिए, ये जो है मार्केट की एलोवेरा जेल होनी चाहिए। ठीक है, थोड़ी सी एलोवेरा जेल मेरे ब्रश पे ली है। अब जिस कलर का आपने लाइनर अप्लाई करना है ना, तो आप उस कलर के ऊपर ये जेल रखते हैं। अब देखें, मतलब मैं ये ग्रीन पे एलोवेरा जेल ही डालती हूँ। अब इसको अच्छे से मैं कलर के साथ मिक्स करूँगी, ब्लेंड करूँगी कलर को मैं एलोवेरा जेल के साथ। तो फ्रेंड्स, ये देखें मैंने कलर को अच्छे से एलोवेरा जेल के साथ मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद ये देखें, अब आप आराम से लाइनर अप्लाई करें। जैसा लाइनर आप चाहते हैं आप वैसा लाइनर लगाएं, कोई मसला नहीं है। देखिए मैं ज़रा हल्का कम ले रही हूँ, तो आपने जैसा लगाना है आप लाइनर इसके ज़रिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये नहीं है कि कलर जो है आपका ये आई के साथ फैल जाएगा, ये लग जाएगा। ये देखिए, ये बहुत अच्छे से जो है ना ड्राई हो जाएगी एलोवेरा जेल कलर के साथ। तो फिर उसके बाद जब ड्राई हो, देखिए मेरा गीला है ना, जब ये ड्राई हो जाएगी ना, तो ये देखें ये फिर उतरेगा नहीं। अभी मेरी ड्राई सही से नहीं हुआ कलर, तो ये आपका कलर जो है लाइनर जो है बहुत अच्छा लाइनर बन जाएगा। कोई सा भी कलर आप चूज़ कर सकते हैं, आप आराम से इजीली घर में बनाएं, बहुत सस्ते तरीके से बनाएं, और आप जिस फंक्शन पे इसको अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई करें, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, बहुत अच्छा रहेगा। और लाइनर अप्लाई करने के बाद, इस ट्रिक को इस्तेमाल करने के बाद मुझे दुआ में याद रखिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ताकि जिन लोगों को इस चीज़ का नहीं पता वो भी इस ट्रिक से फ़ायदा उठा सकें, और बहुत सस्ते तरीके से अपने बजट में रहते हुए वो मुख्तलिफ कलर के लाइनर जो है अप्लाई कर सकें। तो फ्रेंड्स, हमें याद रखिएगा, नई वीडियो में फिर से मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।